नमस्कार। समय जगत से मैं मोहनलाल मोदी। आज हम जिस परिचर्चा पे बात करने यहाँ निकले हैं वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने जो 3 दिन के कार्यक्रम में कहा कि वो संघ की जो पुरानी अवधारणा है उनसे और व्यापक होकर एक नया संदेश इस देश को देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है और वो संदेश देना किसे चाह रहे हैं? क्या वो संदेश भाजपा को देना चाहते हैं या वो संदेश विपक्ष को देना चाहते हैं या फिर वो संदेश हिंदुओं के लिए है? और एक मूल बात, जो स्वयंसेवक उनका जो स्वयंसेवक है उन्हें वो संदेश क्या देना चाहते हैं, इस बारे में हम इस चर्चा में विस्तार से जानना चाहेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रितेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, जो भागवत जी ने 3 दिन जो संघ के समारोह में जो बातें कही, कुछ मुस्लिम पक्ष पर, कुछ उन्होंने संघ यदि मुसलमान को नहीं अपनाएगा तो वो हिंदू नहीं रह जाएगा, ये जिन बातों पे उन्होंने जो एक नई चीज़ें जो रखी हैं, तो इसमें जैसे मैंने अभी कहा भी था कि संदेश क्या देना चाह रहे हैं और किसके लिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मोदी जी, सबसे पहले तो ये है कि संदेश तो वो देना चाह रहे हैं, ठीक, और संदेश वो एक तरीके से पूरे पूरे राष्ट्र को देना चाह रहे हैं, ठीक। प्रश्न ये है कि वो जो संदेश देना चाह रहे हैं, जिसको वो संदेश लेना चाहिए, क्या वो संदेश एक्सेप्ट करेगा? क्या वो उस संदेश को अपने कार्यान्वयन में लाने की ताकत रखता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि संदेश उन्होंने भाजपा को भी दिया है, स्वयं सेवक को भी दिया है, संदेश पूरे पूरे ऑपोजिशन को दिया गया है, हालांकि ऑपोजिशन इसमें फेल हुआ है। जब RSS की तरफ से एक इन्विटेशन आया, हाँ, कि आप लोग आइए, और राहुल गांधी जी को भी आया, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं राहुल गांधी होता तो मैं जरूर जाता, बिल्कुल ठीक, जाना चाहिए था वहां पे। एक बहुत बड़ी संख्या में स्वयं सेवक हैं और उनका एक एक पूरा पूरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है RSS, अगर वो इस तरीके का कार्यक्रम कर रहा है, ठीक, और अगर मैं राहुल गांधी होता जी तो मुझे अगर मौका मिलता तो मैं तो भागवत साहब के साथ एक दिन पूरा बिताता वहां। अच्छा, नहीं, इसमें अपन एक चीज ये मान के चले, ये आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि इन्होंने एक अवसर को गंवा दिया? नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके का है कि भारत इतिहास के किस स्टेज पर है, ठीक, अगर उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने डिसीजंस में कभी ठीक नहीं आएंगे। क्या है कि ऑपोजिशन पूरा पूरा RSS को पिछले 50-60-70 वर्षों से सिर्फ गरियाता आया है, हाँ, ये अपने आज भी गरिया ही रहा है, बिल्कुल ठीक, जबकि ऑपोजिशन को एक आइडियोलॉजी है RSS, उसमें कुछ आइडियोलॉजी में कमियां हो सकती है, बिल्कुल ठीक, पर वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने अपने आप में चेंज करने की इच्छा है, ये इन 3 दिनों में दिखाया है, और ऑपोजिशन ने उसको स्पेस नहीं दिया, ठीक, ऑपोजिशन को स्पेस देना चाहिए था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला संदेश जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है, वो इस स्वयं सेवक को है, ठीक, और इस देश की जनता को है। अब मान लीजिए मैं स्वयं सेवक हूं, भागवत जी ने क्लियरली कहा कि स्वयं सेवक स्वतंत्र है वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए, यानी कि, और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि क्यों स्वयं सेवक अधिकतर भाजपा में ही जाते हैं, ये उन्हें नहीं पता, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहते हैं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि क्यों वो भाजपा में ही जाते हैं, पर हाँ ये जाते हैं, पर ये कहीं कोई विरोध नहीं है कि स्वयं सेवक भाजपा को नहीं किसी और पार्टी में भी जा सकता है। मतलब कल को अगर कोई स्वयं सेवक है और वो सीताराम येचुरी जी के पार्टी में चला जाए तो संघ को उससे दिक्कत नहीं होगी, कल को कोई कमलनाथ जी के साथ खड़ा हो जाए तो संघ को उससे दिक्कत नहीं है। इसका अच्छा। मतलब जो प्रचारक है, जो खास तौर पे नीचे के लेवल पे प्रचारक हैं, जो प्रांत प्रचारक हैं, क्षेत्र प्रचारक हैं, या विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक हैं, या बजरंग दल के क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक हैं, आपके में से अपना कोई स्वयं सेवक कल को कम्युनिस्ट पार्टी में अगर पदाधिकारी बनता है, या अगर वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी बनता है, बसपा
सपा का अगर पदाधिकारी बनता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप जो है आज से स्वयं सेवक नहीं है नहीं। या देशद्रोही है। नहीं, अब इसमें सवाल और उठता है, आपने कहा प्रचारक या विस्तारक, इस कैटेगरी का कोई पदाधिकारी यदि बसपा कम्युनिस्ट में या कांग्रेस में जाता है पदाधिकारी बन के, तो क्या संघ, अब सवाल यहाँ ये उठता है, क्या संघ उसके प्रति वो भाव बनाए रखेगा? ऐसा यही तो बेसिक चेंज जो हमें पिछले 3 दिनों में देखने को मिला है, वो बेसिक चेंज यही है। अच्छा, कि संघ ये कह रहा है कि भाई हमारी तो पॉलिसी, अगर आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप जो भी आपका पद है संघ में, हाँ, आप उसको पद को रिलिंक्विश करना पड़ेगा, आपको अच्छा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक ठीक, ये रूल है। हाँ, बिल्कुल, ये तो भाजपा में भी अगर कोई जाता है तो वो हाँ, संघ का अपना पद छोड़ करके जाता है। प्रश्न यहाँ वो नहीं है, प्रश्न यहाँ ये है कि मान लीजिए मैं एक स्वयं सेवक हूँ और आज मैं अगर किसी और पार्टी में जाता हूँ तो मेरे प्रति विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, आरएसएस का, खास तौर पे उस काडर का क्या रवैया होगा जो कि प्रांत या क्षेत्र लेवल पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या वो मुझे देशद्रोही कहेगा? क्या वो मुझे राष्ट्रद्रोही कहेगा? बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर भागवत जी, जो कि उनसे बड़ा तो पद नहीं है आरएसएस में, बिल्कुल कोई नहीं, और उन्होंने एक तरीके से आरएसएस की के तौर तरीके के बारे में व्याख्या दी है, और उनके माध्यम से ये हमें पता चला है कि संघ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि स्वयं सेवक पॉलिटिक्स में किस पॉलिटिकल स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है। पर क्या ये आइडिया प्रांत लेवल, क्षेत्र लेवल तक है? मेरे ख्याल से ये नहीं है। यहाँ आरएसएस को स्वागत तुल्य है ये जो बात उन्होंने कही है, पर अगर ये बात अगर नीचे लेवल तक दिखना शुरू हो जाए तो आपको मैं बताऊं, आरएसएस से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अभी तो नहीं है, लेकिन आरएसएस से ज्यादा रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कोई और नहीं रहेगा। कोई और नहीं रहेगा। विपक्ष जो आज गरिया रहा है, उसकी जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण बन जाएगा। आप इमेजिन कीजिए, मोदी जी कल का शाखा में जाए लोग, और शाखा में 15-20 लोग हैं, उसमें 3 आदमी कांग्रेसी है, सारे स्वयं सेवक, कांग्रेसी हैं, 2 कम्युनिस्ट हैं, बसपा का ही बैठा है, 4 आदमी जो भाजपा के बैठे हुए हैं, बिल्कुल वहाँ खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप सोचिए अगर शाखा के लेवल पे इस तरीके, ये सामाजिक समरसता ऐसे फैले, एक व्यापक स्वरूप समाज का वहाँ देखने को मिले, अगर ऐसी स्थिति शाखा में उलने लग जाए तो राज्य की असेंबली में भी यही स्थिति बन जाएगी और लोकसभा में भी यही स्थिति बन जाएगी। आज इस देश की समस्या क्या है भाई? क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी जानते हैं, संविधान भी नहीं जानता पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। एक आदमी जब एक जगह से चुन करके सभा संसद में आकर के बैठ गया है, तब फिर कहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? तब तो वो इस देश की जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों वो सारे मिल करके ये नहीं चुनाव करते कि हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाने के लिए सबसे अच्छा जो रिसोर्स है, बिल्कुल ठीक, वो हम मिल करके ढूंढ करके लेकर, हाँ, नहीं, ये इस चीज का भाव, ये चीज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। खैर, तो ये एक एक विषय है जिसके ऊपर संघ को और स्वयं सेवक को बहुत गहराई में सोचने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा विषय है सोचने के लिए। दूसरा, भाजपा के लिए क्या संदेश है? भाजपा पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मोदी जी, क्या भाजपा उस संदेश को ग्रहण करने की ताकत रखता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास समय होगा तो हम एक एक करके हम चलेंगे कि भाजपा के ऊपर क्या असर पड़ना चाहिए। नहीं, भाजपा की जब बात आती तो मैं फिर उस मुद्दे पर आऊंगा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है भाजपा के लिए। उन्होंने राम मंदिर के बारे में भी कहा, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। अब तो क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन भागवत जी ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही। भागवत जी ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन अगर मुसलमान सारे मिलकर के राम मंदिर बना करके दें जी, तो इस देश के लिए सबसे अच्छा होगा। तो भाजपा को उस पे क्या, भाजपा कहां चूक कर रही है? आज मेजोरिटी तो पूरी है, भाजपा का एक ही कहना था कि हम जब मेजोरिटी में आएंगे तब हम मंदिर बनाएंगे। आज भाजपा मेजोरिटी में है, तो क्या भाजपा को इस ओर कोई कानूनी, एक वैधानिक कदम उठाने के लिए किसी समय का दिया है? कानूनी मुद्दा है नहीं असल में। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट भी धर्म संकट में है। बिल्कुल ठीक। मंदिर कहाँ बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो नहीं हो सकता। नहीं, 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 ये सामाजिक मुद्दा है। ये सामाजिक मुद्दा है। ये सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा तो आपस में मिलकर के बैठ करके ही तय हो सकता है। तो सरकारी स्तर पे कोई पहल आपको दिख रही है? कोई सरकारी स्तर पे पहल हो नहीं सकती है इसमें। तो भाजपा एक राजनीतिक दल के रूप में, कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में,
या जो वादी प्रतिवादी हैं उनकी ओर से कुल मिला के ये पहल तो सरकार की ओर से करनी पड़ेगी, चाहे वो संघ के रूप में हो, चाहे वो बैरेंद्र की तरफ से हो, या वो कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को आगे कह दे कि ये अधिकृत है, ऐसी कोई पहल।